हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी मैं मखनी दाल कैसे बनाती हूँ। आप सभी तरह से, हर तरह से, अलग अलग तरह से सब लोग मखनी दाल बनाते हैं, सबका टेस्ट अलग होता है। तो मैं किस तरह से अपनी मखनी दाल बनाती हूँ, आइए आपको बताती हूँ। कढ़ाई में तेल डाला है। वैसे मखनी दाल में सब मक्खन डालते हैं, लेकिन मैं मक्खन नहीं डालूंगी। मैं सरसों का तेल डाला है क्योंकि मेरे बच्चे को मक्खन नुकसान देता है, इसलिए मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। मैंने गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई में तेल डाल लिया है और मैंने सब तैयार कर लिया है। इसमें क्या क्या डलेगा, इसमें ये थोड़ा हींग, जीरा, जायफल, जावित्री, लौंग, ये मुलैठी, ये सब मैंने ये मसाले निकाले हुए हैं। ये मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है, 4-5 टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है। ये मैंने इसका पेस्ट बनाया हुआ है, प्याज, लहसुन और अदरक का, और मिर्च भी इसमें मैंने हरी पीसी हुई है। इसमें मैं डालूंगी हल्दी, ये हल्दी रखी हुई है, धनिया, मिर्च, कश्मीरी मिर्च एंड नमक। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ अभी बनाना। ये तेल गरम हो रहा है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हींग, एक पिंच हींग लेंगे। उसके बाद साथ ही जीरा डाल दूंगी, थोड़ा सा जीरा लेंगे, छोटा स्पून, बहुत छोटा। इसी के साथ ही मैं इसमें लौंग डाल दूंगी, जावित्री, जावित्री डाल दूंगी, एक ही फूल चक्री है इसको डाल दूंगी, और ये दालचीनी इसको डाल दूंगी। ठीक है, इसको भून लेंगे। एक चमचे की मदद से हम इसको भून लेंगे। ये भून जाएगा। ये हमारा भुन गया है। उसके बाद हम इसमें जो मेरा पेस्ट है, ये प्याज लहसुन और मिर्च का और अदरक, ये मेरा पेस्ट बना लिया था मैंने। इसमें भी मैंने 3-4 ऑनियन ली है, 3-4 कली लहसुन की ली है, और छोटा सा मैंने अदरक लिया है, और 3-4 ही हरी मिर्च ली है। ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसको चलाते रहेंगे हम इसको। ये जब तक भूनेंगे, इसको धीरे धीरे भूनते रहेंगे 10 मिनट। तो चलाते भी रहेंगे ताकि लग न जाए। थोड़ा सिंग कर लेंगे, इसके ऊपर छींटे बाहर निकल रही है, थोड़ा सिंग कर लेंगे इसको। जब ये थोड़ा भुन जाए, उसके बाद हम टमाटर प्यूरी डालेंगे साथ ही, तब इन दोनों को साथ हम भूनेंगे। मैंने आपको हल्दी दिखाई थी, इसमें हल्दी नहीं डलेगी, सॉरी वो गलती से निकल गया था डब्बा। मखनी दाल में हल्दी नहीं डालते,
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल भी सकते हैं जिसको चाहिए, वैसे मैं नहीं डालूंगी। इसमें मैं मसाले डालूंगी, वन टेबल स्पून धनिया, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मिर्च डालेंगे, जितनी हमें मिर्च चाहिए। तो मैंने तो ये इतनी मिर्च ली है, हाफ स्पून। मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, हाफ स्पून। नमक मैं इसमें लास्ट में डालूंगी, नमक में अपना जितना टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग नमक डाल लेना। अब इसको हम भूनेंगे मसाले को, इसको 10 मिनट के लिए भूनने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसमें छींटे पड़ रही हैं तो हम इसमें थोड़ा सा ढक लेते हैं ताकि इसकी जो छींटे हैं इसी के अंदर ही होती रहें। उसको साथ साथ चलाते भी रहेंगे ताकि लग न जाए। राजमा की मक्की दाल बनाने के लिए इसमें हमने साबुत उड़द लिए हैं और राजमा लिया है। जैसे हमने दो एक कटोरी हमने इसमें आधा कटोरी राजमा लिया है और एक कटोरी हमने साबुत उड़द ली है। हमने इसको उबाल लिया है, ये बॉईल करके मैंने रखा हुआ है। छींटे थोड़ा कम हो गई है तो इसको हटा देंगे। अभी भी आ रही है छींटे ना, थोड़ा रख ही देंगे। जब तक ये तेल ना छोड़ दे जब तक हम इसको भूनते रहेंगे, उससे ना मसाले सारे पक जाते अच्छे से। ये देखो हमारा मसाला थोड़ा सा होने लगा है, इसका मतलब ये भुनने वाला है। हम इसमें लास्ट में मलाई ऐड करेंगे, जब ये भुन जाएगा तब मैं इसमें मलाई ऐड करूंगी। ये हमारा मसाला भून गया है, ये तेल छोड़ने लग गया है इसमें। अब इसमें मलाई ऐड करेंगे, हमने एक स्पून इसमें मलाई डाली है।
एक स्पून वो ले लेंगे, टू स्पून मलाई हो गई इसमें। अब इसको फिर से चलाएंगे। दो तीन मिनट के लिए चलाएंगे क्योंकि वरना वो भी घी छोड़ देगी मलाई। ये हमारा मसाला भुन गया है। हम इसमें ये उड़द और राजमा हमने बॉईल किए थे, अभी हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लेंगे, जितना हमें गाढ़ा या पतला जो भी रखना है, क्योंकि ये थोड़ा खदकाना है हमें। कम से कम इसको हम आधा घंटा खदकाएंगे ताकि अच्छे से मैश हो जाए। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, जितना हमें चाहिए अपने अकॉर्डिंग हम पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब ये खदक जाता है उसके बाद रखा है तो गाढ़ा अपने आप से हो जाता है। मैं इसे पानी इतना ही रखूंगी। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें बॉयल में भी नमक डाला था तो इसलिए थोड़ा ही नमक डालूंगी, इसमें ऑलरेडी पहले से नमक है। अभी नमक डालिए। अब इसको हम थोड़ा सिम कर देंगे गैस को। सिम गैस पे हम इसको पकने देंगे। अब इसको पकने रख देते हैं कम से कम आधा घंटे तक, पकने देते हैं उसके बाद देखते हैं। हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे वरना ये लग जाता है नीचे कढ़ाई में। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे फिर ढक देंगे। ऐसे ही इसमें आधे घंटे में बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। देखो मखनी दाल बन गई है। अब मैं ये गैस बंद कर दूंगी क्योंकि ये ठंडी होने पे और गाढ़ी हो जाती है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, मैं इसको सर्व कर लेती हूँ मखनी दाल। अब मैं इसमें गार्निश कर दूंगी। ये मैं चीज से कर रही हूँ, कोई मक्खन से भी कर लेती पर मक्खन मेरे बच्चों को सूट नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं मक्खन नहीं डाला इसमें, ये चीज से डाला है। ये मैं गार्निश हो गई है। ये देखो हमारी मखनी दाल तैयार है।